गाइज एवरी वन वेलकम टू अमन द फूडी चैनल। आप देख सकते हैं कि अमन द फूडी चैनल आपको लाया है हनुमान मंदिर के जस्ट अंदर में, जहाँ पे लड्डू लड्डू ही मिलता है, लड्डू लड्डू बर्फी पेड़ा हर चीज वहाँ पर। आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से बुलाते हैं ग्राहक को और किस तरीके से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे लड्डू किस किस प्रकार का भैया मिलता है। ये कौन सा लड्डू है भैया? बेसन का लड्डू, बेसन का। तो इसको कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं? बेसन का रिफाइंड में बनता है। रिफाइंड बनता है, रिफाइंड पड़ता है, रिफाइंड हो गया प्लस आपको चीनी हो गया, इसमें सब बनता है। अच्छा, कैसे के जी बेचते हैं इसको? 180 रुपये के जी। 180 रुपये। और ये वाला भैया? बेसन का घी में, बेसन का घी में लड्डू है और इसमें काजू भी जुड़ा हुआ है, तो काफी अच्छा लग रहा है। और मैं इसको आपको जरूर कहूंगा कि आइए। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार। अशोक कुमार जी से दुकान से आके यहाँ से प्रसाद लीजिए। मंदिर के जैसे ही अंदर प्रेमिसेस में आप आएंगे तो यहाँ पर बाएं साइड में कॉर्नर पे इनका दुकान है, जहाँ पे लड्डू एक तो रिफाइंड वाला है, एक घी वाला है और एक मोतीचूर का लड्डू, जैसे जो आप मनेर में खरीदते हैं सेम क्वालिटी यहाँ मिला है। मैं टेस्ट ये खा चुका हूँ और पेड़ा खा चुका हूँ, दो चीज़ें गारंटी में लेता हूँ, क्योंकि ये और ये मैंने अभी खरीदा है, ये आधा किलो और ये 250 ग्राम मैंने खरीदा, तो दाम बहुत वाजिब है और बहुत बढ़िया रेट लगाते हैं। आइए, और भी यहाँ दुकान है, उनसे भी मिलते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ भैया? कब से लड्डू बेच रहे हैं? जब से जाया हुआ है तब से। कैसे किलो आपका ये लड्डू है घी वाला? 260। तो यहाँ पे एकमात्र रेट है 260 रुपये अगर घी का लड्डू लेते हैं तो, और अगर आप ऐसे रिफाइंड लड्डू लेते हैं तो आपको 180 रुपये। और माला बेचते कैसे, माला के लिए कैसे बुलाते हैं लोगों को? अरे भाई माला, आइए आइए आइए। कैसे माला? आइए लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। तो कितने रुपये का माला बेचते हैं? 20 रुपये का माला है। 20 रुपये का माला है। और ये क्या है यार, हरा का तुलसी माला, तुलसी माला, तुलसी जी का माला है, तुलसी जी का माला बेच रहे हैं। और भाई आज तो कमाल का जगह पे हम लोग आ गए हैं, और आप देख रहे होंगे यहाँ मार्केट में कमाल का भीड़ है और बहुत ही शानदार जगह हम लोग आ गए हैं। और ये सो गाइज, ये है कमाल का जगह, यहाँ पर आइए और यहाँ पे लड्डू खाइए, बर्फी खाइए, पेड़ा खाइए, बहुत ही बढ़िया मिठाई, बहुत फ्रेश मिठाई मिलता है। और बगल में ही आपको लस्सी मिल रहा है, और इस लस्सी के दुकान पे आज जरूर वीडियो बनाएंगे और आपको शाही लस्सी पिलाकर ही यहाँ से जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए गाइज। आज नवरात्र का पहला दिन है और बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। मंदिर आ चुके हैं अमन द फूडी, और आज कमाल का भीड़, कमाल का जगह, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पावन दिन है गाइज, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और मंदिर का दर्शन कीजिए गाइज। इससे बढ़िया और इससे अच्छा चीज़ आपको वीडियो में देखने को मिल नहीं सकता है, जो कि अमन द फूडी आपको दिखा रहा है। एक मनोकामना पूरन और दूसरे दुखहरण हनुमान जी विराजमान है। देश में यही एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी के 2 विग्रह हैं। आइए आज आपको लाइव दर्शन कराते हैं। ये देखिए महावीर मंदिर का दर्शन, चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर, हनुमान जी के दिन और महावीर जी का दिन, शनिवार हो चाहे रविवार हो, मैं हर दिन महावीर जी का दिन कहता हूँ। और 2:32 हो चुका है और आज हम लोग पटना के महावीर मंदिर आए हुए हैं और आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग ज्योति जलाते हैं, चरित्रमानस का पाठ पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, और कुछ देर पहले यहाँ बहुत भीड़ थी। सफाई अभियान पूरा जारी है, जो कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आपको सफाई अभियान हमेशा जारी रखना चाहिए, तो सफाई अभियान भी पूरी तरह से जारी है और अपने पूरे पीक पे है। सो गाइज, वीडियो के अंत तक बने रहिए गाइज, कमाल का वीडियो होने वाला है आज, पूरा हनुमान मंदिर का बहुत शानदार वीडियो होने वाला है।